नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और आज हम शेयर कैपिटल चैप्टर से ओवर सब्सक्रिप्शन इन प्रो राटा ऑफ शेयर पढ़ने वाले हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है ये हम पिछले वीडियोस में जान चुके हैं कि जब कंपनी शेयर इश्यू करती है और उससे ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आ जाए तो उसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। पर इन एक्सेस एप्लीकेशन का फिर कंपनी ट्रीटमेंट क्या करती है वो प्रो राटा कहलाता है, मतलब कि उनको रिफंड कर देगी तब तो ठीक है, पर अगर कंपनी प्रोपोर्शनलिटी इश्यू करे उसको प्रो राटा कहा जाता है। तो यही सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम ये जानते हैं कि कंपनी इश्यू करती है प्रॉस्पेक्टस, कहाँ पर इशू करती है पब्लिक को, जैसे ये कंपनी है, कंपनी ने पब्लिक में प्रॉस्पेक्टस मतलब कि इनविटेशन इशू किया कि आओ भैया इन्वेस्टमेंट करो, पब्लिक अप्लाई करेगी फिर शेयर के लिए। तो पब्लिक ने क्या किया, एप्लीकेशन दिया और एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी किसको दिया, कंपनी को दिया। तो अब कंपनी के पास जैसे ये लिखा हुआ है, व्हेन पब्लिक अप्लाई फॉर शेयर मोर देन इश्यूड बाय कंपनी, मतलब इतने शेयर के लिए अप्लाई करते जितने कंपनी ने इश्यू ही नहीं किया, इट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब देखिए ये कंपनी है और सब्सक्रिप्शन की लाइन लगी है ना, कंपनी ने इश्यू कम किया और सब्सक्रिप्शन ज़्यादा के लिए हो गया, मतलब मांग कम पब्लिक ने ज़्यादा लिए शेयर, इसको ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। कंपनी इश्यूड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इच, 1000 शेयर इशू किए हैं 10 रुपए वाले, अमाउंट पेएबल एज फॉलोज, कोई कंपनी ने इशू किया है, अमाउंट है एप्लीकेशन पे 3 रुपए मांगा, अलॉटमेंट पे 4 रुपए मांगा और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपए मांगा है, है ना। तो इस तरह से 10 रुपए कंपनी ने मांग लिया, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे 4 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपए। अब एप्लीकेशन रिसीव्ड कैसे हुआ, मैंने छोटे एग्जांपल से लिया है इसको, क्योंकि देखो कंपनी में तो अप्लाई करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, हजारों में होते हैं, लेकिन यहां मैं छोटे एग्जांपल से समझा रहा हूं कि कंपनी ने इशू कितना किया है, इशू किया है 1000 शेयर, है ना सपोज, और एप्लीकेशन किस किस से आया है, मिस्टर ए, मिस्टर ए ने 200 शेयर के लिए अप्लाई किया, मिस्टर बी, मिस्टर बी ने 400 शेयर के लिए अप्लाई किया, मिस्टर सी ने 800 शेयर के लिए अप्लाई किया। तो हम अगर इनको गिने 200, 400 और 800, तो टोटल 1400 शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ है और शेयर कंपनी के पास कितने हैं 1000, तो इसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहेंगे। तो कंपनी ने क्या किया, आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात तो ये कि एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ, मिस्टर ए जिसने 200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है वह एप्लीकेशन का 3 रुपए जमा करेगा, है ना, ये 3 रुपए, तो इस तरह से 600 मिस्टर ए ने जमा किए। मिस्टर बी जिसने 400 शेयर के लिए अप्लाई किया है वो 3 के हिसाब से 1200 रुपए 1200 रुपीज जमा करेगा। मिस्टर सी जिसने की 800 शेयर के लिए अप्लाई किया है कंपनी ने, कंपनी को उसने 3 रुपए के हिसाब से 2400 रुपए जमा किए। तो देखिए अब कंपनी क्या चाहेगी, जिसने ज्यादा के लिए अप्लाई किया ना उसको फुल अलॉटमेंट करें, ये जरूरी नहीं है ऐसा हो, पर कंपनी बेसिकली ऐसा चाहती है ताकि उसको अगली किस्तें भी आसानी से मिलती रहे। अब अलॉटमेंट इस तरह से किया है, कंपनी ने शेयर इस तरह से बांटे हैं, देखिए कैसे, कंपनी रिजेक्ट एज एप्लीकेशन, मिस्टर ए की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, मतलब मिस्टर ए को शेयर ही नहीं दिया। तो जब मिस्टर ए को शेयर नहीं देगी कंपनी तो इसका एप्लीकेशन का अमाउंट भी नहीं रख सकती, तो इसके एप्लीकेशन के अमाउंट को कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा, मतलब लौटाना पड़ेगा। कंपनी अलॉटेड 200 शेयर टू मिस्टर बी यूज हिज एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटमेंट। अब कंपनी ने मिस्टर बी को कितने के लिए अप्लाई किया था, 400 के लिए, लेकिन मिस्टर बी को 200 शेयर्स दिए, इसको कर दिया रिफंड, मतलब कि रिजेक्ट कर दिया, और 200 शेयर मिस्टर बी को दिए। आगे बोल रहा है कंपनी, कंपनी मेक फुल अलॉटमेंट ऑन मिस्टर सीज एप्लीकेशन, तो सी ने जितने के लिए अप्लाई किया था कंपनी ने उसको फुल अलॉटमेंट किया, मतलब इसको 800 शेयर्स दे दिए। तो देखो 200 प्लस 800 बराबर 1000 इश्यू किए थे। इस तरह से हुआ ये कि ए की एप्लीकेशन हो गई रिजेक्ट, बी को प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट किया, 400 मांगे थे 200 दिए, लेकिन सी को फुल अलॉटमेंट कर दिया। तो यहां ये निकल कर आता है कि प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट ऑफ शेयर कॉल्ड प्रोराटा, प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट मतलब बी
इसको तो कहेंगे हम रिजेक्शन। अगर हम ए की बात करें तो इसको कहेंगे रिजेक्शन, बी की बात करें इसको कहेंगे प्रोराटा। प्रोराटा क्यों? ज्यादा मांगे कम मिले, प्रोपोर्शनेटली अलॉटमेंट हुआ है इसको, 400 मांगता है तो 200 मिलते हैं, और इसको तो फुल अलॉटमेंट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कह सकते हैं कंपनी इश्यूड शेयर टू बी ऑन प्रोराटा बेसिस, कंपनी ने बी को प्रोराटा बेसिस पर शेयर इश्यू किया है। दोस्तों इसके लिए जर्नल कर लेते हैं अपन। तो जर्नल सबसे पहले रिसीव्ड किया एंट्री, आप जानते हैं 1400 शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 1400 शेयर्स के लिए, 1400 शेयर्स और ₹3 एप्लीकेशन पे बनते हैं, है ना, तो 4200 रुपीज एप्लीकेशन का कंपनी के पास आया, 4200, है ना। हम नरेशन लिख सकते हैं अमाउंट रिसीव्ड ऑन, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। ये जो बेसिक एंट्रीज है इनके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि एप्लीकेशन की एंट्री क्या बनती है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सबका बनाया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। अब हम ड्यू की बात करते हैं, एप्लीकेशन को ड्यू करते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और खास चीज टू बैंक अकाउंट और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इन चीजों को समझिएगा। सबसे पहली बात, अमाउंट मिला कितना कंपनी को, अमाउंट कंपनी को 4200 टोटल रिसीव हुआ है, ओके okay, उसमें से कंपनी को चाहिए कितना था, एप्लीकेशन की अगर बात करें तो कंपनी को कितना चाहिए था। तो देखो दोस्तों, ये तो हुआ 1400 के बेसिस पर, 1400 इंटू 3 के बेसिस पर ये कैलकुलेशन हुआ, जितना रिसीव हुआ था एप्लीकेशन का। इक्विटी शेयर कैपिटल जो होगा वो कैलकुलेशन होगा 1000 के बेसिस पर, 1000 इंटू 3, क्यों, जितना कंपनी ने इश्यू किया उतना ही तो एप्लीकेशन का अमाउंट रखेगी, तो ये अमाउंट जो होगा ये होगा आपका 3000 जितना कंपनी ने मांगा। जितना कंपनी रिफंड करेगी, रिफंड कितना करेगी उसकी बात करते हैं। देखो हमने रिजेक्ट किसका किया था, मिस्टर ए का एप्लीकेशन रिजेक्ट किया था और मिस्टर ए ने ₹600 दिए थे, तो मिस्टर ए का अमाउंट रिफंड कर दीजिए आप, है ना। मिस्टर ए ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 200 इंटू 3, तो इस हिसाब से ₹600 मिस्टर ए का लौटा दिया जाएगा। प्रोराटा एक्सेस एप्लीकेशन का अमाउंट यूज होगा यहां पर, देखिए एक्सेस एप्लीकेशन कितनी है, मिस्टर बी की है, 400 के लिए अप्लाई किया और 200 मिले, तो एक्सेस कितना हुआ 200, तो 200 एप्लीकेशन का अमाउंट हम यहां पर यूज कर लेंगे, तो ये रहा 200 के हिसाब से 600। और आप बैलेंसिंग फिगर भी ले सकते हैं, 4200 माइनस 3600, तो इस हिसाब से भी आ सकता है, है ना। तो यहां पर हम नरेशन में लिख सकते हैं अमाउंट ड्यू एंड ड्यू ऑन एप्लीकेशन एंड सॉरी अमाउंट रिफंड, ड्यू हुआ एप्लीकेशन का अमाउंट और अमाउंट को रिफंड किया गया। अब अलॉटमेंट की एंट्री बनाते हैं दोस्तों। अलॉटमेंट के लिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, पहले तो हम ड्यू की एंट्री बनाएंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट चाहिए, ड्यू की एंट्री तो जितना चाहिए उसके बेसिस पर, 1000 रुपीज इंटू 4, क्योंकि अलॉटमेंट का कितना है 4 रुपीज है, तो इस हिसाब से कंपनी को चाहिए 4000 अलॉटमेंट का चाहिए। नरेशन की बात करें हम, अमाउंट ड्यू ऑन
अलॉटमेंट। तो दोस्तों यहां हमने अलॉटमेंट जो क्रेडिट किया था, सॉरी ये बताना भूल गया मैं, अलॉटमेंट क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा था, एंड यूज इज एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, तो बी के लिए बात की गई है, बी का जो भी एक्सेस अमाउंट होगा वो एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाएगा। देखो बी ने टोटल 1200 रुपीस दिया था, किसको दिया था, कंपनी को, बी ने टोटल 1200 रुपीस दिया था कंपनी को, तो बी को शेयर्स कितने मिले, बी को शेयर्स मिले हैं 200 के हिसाब से तो 300 ही बनता था, मतलब एप्लीकेशन का बनता था उसका 600, लेकिन 600 और एक्सेस है तो ये 600 उसकी अगली इंस्टॉलमेंट में यूज किया जाएगा, और अगली इंस्टॉलमेंट क्या, अलॉटमेंट, इसलिए हमने यहाँ क्रेडिट किसको कर दिया था, अलॉटमेंट को, कि ये एक्सेस 600 रुपया अलॉटमेंट में यूज कर लिया जाएगा। तो ये हुई अलॉटमेंट की ड्यू। अब हम कर लेते हैं अलॉटमेंट को रिसीव, अलॉटमेंट को रिसीव करते हैं हम बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अलॉटमेंट को जब हम रिसीव करेंगे तो हमें यह ध्यान में रखना है कि अलॉटमेंट देखिए क्रेडिट हुआ, सॉरी डेबिट हुआ, सॉरी अलॉटमेंट आपका, अलॉटमेंट आपका डेबिट हुआ, ओके कितने से डेबिट हुआ, 4000 से, तो अलॉटमेंट क्रेडिट भी होना चाहिए 4000 से, बट आप देखें कि अलॉटमेंट ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है 600 से, 600 तो पहले ही मिल चुका है, तो अब 600 नहीं मिलेगा आपको, 3400 ही मिलेगा अलॉटमेंट पे, वैसे कोई कॉल इन एरियर नहीं है, पर हम कह सकते हैं अलॉटमेंट पे चाहिए 4000, पर भैया 600 रुपए तो पहले ही मिल चुके हैं जो आपने एप्लीकेशन का अमाउंट यूज किया था, तो कितना और मिलेगा आपको, केवल 3400 और मिलेगा अलॉटमेंट का। नरेशन बना लेते हैं इसका, अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। अब यहां पर खास चीजें यही थी कि एप्लीकेशन में आप एक्सेस जो एप्लीकेशन है उनको कैसे ट्रीट करते हैं, तो एक्सेस एप्लीकेशन को हमने ऐसे ट्रीट किया कि सबसे पहले जो रिजेक्ट किया है, रिजेक्ट वाले शेयर्स को टू बैंक के साथ लिखा, और जिनका हम प्रोराटा किए हैं, प्रोराटा मतलब कि एक्सेस एप्लीकेशन को आगे यूज किया है, उनको टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में लिख दिया, मतलब आगे यूज कर रहे हैं अपन उसको, है ना, और फिर जब आगे यूज किया, यूज किया मतलब ये यूज कर लिया, देखो कैसे 4000 चाहिए था लेकिन 600 पहले से मिल गया था, इसलिए हमने डेबिट बैंक अकाउंट, देखो बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए 3400 से हुआ है क्योंकि 4000 चाहिए था, 600 तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी मिल चुका है, और 3400 से अलॉटमेंट इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि अलॉटमेंट पहले डेबिट हुआ था 4000 से, लेकिन 600 से तो ऑलरेडी एप्लीकेशन के ड्यू की एंट्री में वो क्रेडिट हो चुका है, इसलिए आज अभी अलॉटमेंट केवल 3400 से ही क्रेडिट हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें कॉल की, तो कॉल में कोई दिक्कत नहीं है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वो तो अलॉटमेंट का जितना पैसा चाहिए उस हिसाब से बन जाएगा, 1000 × 3 क्योंकि इसमें तो कोई कॉल इन एरर वगैरह है नहीं, तो 3000 से अलॉटमेंट ड्यू हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा अलॉटमेंट नहीं, फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ओके। इसके बाद हम इसको रिसीव कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ओके। तो 3000 यहां मिल जाएगा, ये हम इसका नरेशन लिख देते हैं, अमाउंट रिसीव ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो ये आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गई। तो इस तरह से दोस्तों हम ओवर सब्सक्रिप्शन में एक्सेस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं या फिर उनको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। तो उम्मीद है कि यहाँ पर आपको ओवर सब्सक्रिप्शन और उसके अमाउंट का यूज करना समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।